नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंदिता। आप सभी मोबाइल यूज करते हैं और आप सभी वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, इन सभी का नाम भी जानते हैं। सपोज करो आप अभी एयरटेल की सिम यूज कर रहे हो तो उनकी बिलिंग में कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनका डाटा प्लान महंगा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत जाकर अपनी सिम बदल लेते हैं और किसी दूसरी कंपनी की सिम खरीद लेते हैं। यानी जो कंपनी आपको अच्छी सर्विस देगी आप उसे पसंद कर लेते हैं। और सब कंपनी का अपना अपना हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपको सर्विस में कोई तकलीफ होती है या नेटवर्क में कुछ इश्यू आते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तुरंत उनकी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। और ये आप अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहें तब कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक बार में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप उनको बार बार भी कॉल कर सकते हैं। इवन सिम के सर्विस सेंटर जाकर भी आप अपनी समस्या का समाधान हाथों हाथ वहीं खड़े होकर करवा सकते हैं। परंतु लोकतंत्र में आपको सिम बदलने का मौका 5 साल में सिर्फ एक बार मिलता है और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जो सिम बदली है वो 5 साल ठीक से सर्विस देगी या नहीं। आपको अपना मत देने का मौका 5 साल में एक बार मिलता है। अब आप कहेंगे कि मतदान की तुलना सिम से क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। जिस प्रकार से अच्छी सर्विस नहीं देने पर आप अपनी सिम की कंपनी बदल सकते हैं और बदलते भी हैं। यूजर्स के इसी सिम बदलने के डर से सारी कंपनियां हेल्पलाइन जैसी सुविधा उपलब्ध करवाती है, साथ ही हर जगह अपना आउटलेट खोलती है। सचिन पायलट भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं ताकि जिस प्रकार से मोबाइल कंपनियां सिम बदलने के डर से हेल्पलाइन नंबर देती है और अच्छी सर्विस देने का हर संभव प्रयास करती है और देती भी है, ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी भी जनता को अच्छे से सर्विस दे। पार्टियां और नेताओं में मतदाताओं का डर हमेशा बना रहे, ना कि नेता अभी की तरह करे और 5 साल पूरे होने को हो तब चुनाव के 6-7 महीने पहले डर कर बड़े बड़े राहत कैंप लगवाएं, जबकि राहत कैंप अनवरत कार्य करते रहना चाहिए। सचिन पायलट के आउटलेट्स हर गांव में होंगे, हर मोहल्ले में होंगे और लोगों के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होगा जिसके तहत आप अपनी शिकायत अविलंब सचिन पायलट तक पहुंचा पाएंगे। उनके आउटलेट्स पर पूरे राजस्थान में लाखों वॉलंटियर और उनके कार्यकर्ता पूरी हरारक्की के साथ जनता को सर्विस देने के लिए तत्पर रहेंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ इंतजार है राहुल गांधी के अमेरिका से लौटने का। सचिन कांग्रेस में रहे या ना रहे, सचिन नई पार्टी बनाए या ना बनाए, पर एक बात तो तय है, सचिन देश में एक ऐसा राजनीति का मॉड्यूल लाने जा रहे हैं जिसमें जनता के सिम बदलने जैसा डर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों को भी होगा। जहां रोजगार का सर्जन हो, जहां भ्रष्टाचार विलुप्त हो, एक खुशहाल और संपन्न राजस्थान का सपना साकार हो। अब देखना यह है कि सचिन इस शेर और मात के खेल में कहाँ तक सफल होते हैं, पर हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी सोच बहुत आगे की है और वे राजस्थान के भविष्य नेता है। इसलिए पाला बदलने वाले लोग ये जानकर कि सचिन भविष्य के नेता है पाला बदलने के लिए बेचैन है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के विश्लेषणों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। वीडियो पर आप अपने विचार और राय भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।